नेट, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। और कल तो बहुत स्पेशल दिन है, तुम्हें याद है ना? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, आखिर ये सब चल क्या रहा है? ओह, ये मेरी मम्मी है। तुम्हारे साथ ये है कौन? टीना? मिसेस क्रिस्टी, मेरा नाम नेट है, मैं टीना का बॉयफ्रेंड हूँ। कौन? मेरा मतलब था कि मैं आपकी बेटी का गाय फ्रेंड हूँ। ओह, फ्रेंड। अच्छा तो ये लो फ्रेंड। ये क्या है? मामी, आप क्या कर रही हैं? आप ठीक तो हैं ना? शायद इस कचरे में सड़ी हुई मछली भी थी, बहुत ही खतरनाक है। नहीं, माफ करना, शायद मम्मी अपनी दवाई खाना भूल गई हैं। मुझे सब सुनाई दे रहा है टीना। अब बस बहुत हुआ, ठीक है मैं जा रहा हूँ। मामी, मेरे बर्थडे से पहले मेरा मूड खराब करके ही मानोगी? शुक्रिया। आज का दिन कितना अजीब था, लेकिन कोई बात नहीं, कल का दिन अच्छा होगा क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। ठीक है, अभी मैं सो जाती हूँ। हुर्रे, मेरा बर्थडे है, मेरा बर्थडे, उहू, सबसे अच्छा दिन। सब मुझे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, शानदार है। टीना, और सबसे पहले मुझे मेरी प्यारी बहन हैप्पी बर्थडे बोलेगी, शानदार, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पागल लड़की, तुम्हें क्या हो गया है? ये तो सेलिब्रेशन का मौका है ना? तुमने मेरा आई शेडो क्यों लिया? वो तो मैं नेट से मिलने गई थी तो मैंने ले ली। मेरा सामान लेने की जरूरत मत करना। तुम कुछ भूल तो नहीं रही हो ना? हाँ बिल्कुल। बढ़िया, मुझे किसी गिफ्ट या सरप्राइज का इंतजार है। कैसा गिफ्ट? मैं तुम्हें स्टोर रूम में बंद कर दूंगी, ये सरप्राइज कैसा रहेगा? लेकिन आज तो मेरा दिन है। बेवकूफ बहन का दिन, बधाई हो। ये मुझ पर इतने गुस्सा क्यों है? बहुत अजीब है, मम्मी के पास जाती हूँ। मम्मी, मैं आ गई। मैंने देख लिया। क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हैं? देखो, ड्रॉअर से ब्रश ले लो और टॉयलेट साफ कर दो, और हाँ, पाइप मत भूल जाना। आप कितना मजाक करती हैं। केक, वाओ, मम्मी ये बहुत सुंदर है। क्या आपने ये मेरे लिए बनाया? अरे ये केक मुझे दो, ये तुम्हारा नहीं है। फिर किसका है? अरे ये केक तो कैसे के लिए है? वाओ, शुक्रिया। अरे मेरा केक कैसे को क्यों दे दिया? अरे उसे कुछ सेलिब्रेट करना है। हाँ, आज मेरा स्पेशल दिन है, मेरा। कैसे को स्कूल टेस्ट में ए मिला है, इसीलिए मैंने उसके लिए ये केक बनाया है। क्या? मम्मी, मैंने अभी तक वो टेस्ट नहीं दिया है। लेकिन तुम वो दोगी तो सही, तुम मेरी बहुत होशियार बच्ची हो, बहुत सुंदर बच्ची हो, सबसे प्यारी बच्ची हो। मॉम, और मेरा क्या? हाँ, तुम भी बढ़िया ही हो। नहीं, ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी। आप बहुत अजीब हो, आज मेरा जन्मदिन है, ये केक मेरा है। अपने हाथ दूर रखो, ये मेरा केक है। नहीं, तुमने मुझे विश भी नहीं किया, कम से कम केक तो खा लेने दो। तो क्या, तुम तो भूल जाओ। नहीं। ये तो बिल्कुल सही हुआ। अब मुंह फाड़कर इस तरह से क्यों रो रही हो? तुम्हारी वजह से ये फर्श भी गंदा हो गया है। आज मेरा दिन था और आपने मेरे साथ ये किया। मम्मी, आपने अच्छा किया, सब सही किया। हाँ बिल्कुल, कोई शक? दोस्तों, तुम कहाँ थे? सॉरी यार, मैं अपना फोन घर भूल गया था। तुम्हें पता है ना हम यहाँ क्यों मिले हैं? हाँ बिल्कुल, हम इसकी तैयारी पिछले 6 महीनों से कर रहे हैं ना। जरूरी बात ये कि कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। ये तुम नेट को बोलना, वरना हमेशा की तरह सब गड़बड़ कर देगा। वैसे वो है कहाँ? हम बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, उसे सब कुछ अच्छे से करना होगा, राइट? मुझे बिल्कुल नहीं पता, उम्मीद करती हूँ उसने हमें बेवकूफ ना बनाया हो और टीना को सब सच ना बोल दिया हो। दोस्तों देखो, जैक आ गया।
वाह, मैंने सोचा नहीं था कि तुम लोग मुझे यहाँ मिल जाओगे। हमें भी उम्मीद नहीं थी कि तुम आज यहाँ आओगे। मैंने भी नहीं सोचा था, मुझे भी यहाँ आना पड़ा एक जरूरी काम से। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम भी कुछ कर रहे हैं, लेकिन अभी हम कुछ बता नहीं सकते। ठीक है, मैं चलता हूँ, मेरे पास और भी काम है करने के लिए। अरे दोस्तों, जैक कहीं सारी चीजें बिगाड़ ना दे। छोड़ो, उसे कुछ भी नहीं पता है, चिल करो। मुझे ये करना ही होगा, अब मैं ये सब अपने दिल में और नहीं रख पाऊंगा। खुद को हैप्पी बर्थडे बोल लेती हूँ। कितना बढ़िया है, शानदार। मैं ऑफिस जा रही हूँ, बाय बाय। मम्मी, आज आपने छुट्टी नहीं ली? बिल्कुल नहीं, छुट्टी क्यों लेनी है, ऐसा क्या है आज? हाँ क्यों नहीं, आज तो सिर्फ एक नॉर्मल दिन है। मेरी बेटी कितनी अजीब है। कुछ रुपए ही देती जाओ, पार्टी के लिए सजावट करनी है। कैसी पार्टी? टीना, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। मम्मी, मेरे पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, कुछ रुपए दे दो। ओ, क्या मतलब पहनने के लिए कुछ नहीं है? ये लो बेटा। शुक्रिया मम्मी। और मेरा क्या? मम्मी ये सही नहीं है। जाओ और पैसे कमाओ। आपने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, कम से कम पैसे तो दे सकती हो। ठीक है फिर, मेरे पास कुछ रुपए हैं। वाओ, मुझे दो ये। तुम्हें इतने सारे रुपए कहाँ से मिले? मम्मी ये काफी नहीं है, कुछ और मिलेंगे। क्यों नहीं मेरी प्यारी बच्ची, आखिर में ये सब कुछ तुम्हारा ही तो है। वाओ, अब मैं शॉपिंग जा सकती हूँ। ये क्या है मम्मी, मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भी भरोसा नहीं हो रहा कि तुम इतनी गंदी बच्ची हो। हेलो। हेलो टीना, जल्दी से यहाँ आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आती हूँ। ये मेरे दोस्तों ने पक्का सरप्राइज प्लान किया है। मुझे कपड़े बदलने होंगे, मैं इन कपड़ों में अच्छी नहीं लगूंगी। हुर्रे! हाय दोस्तों, मैं आ गई। ओह वाओ, ड्रेस शानदार है। हाँ, तुम पर सूट करती है। शुक्रिया, क्योंकि आज का दिन भी बहुत शानदार है ना? सही कहा। बिल्कुल किसी त्योहार जैसा। हाँ ये बिल्कुल सच है, मैं इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहती थी। बिल्कुल, मैं इस खास दिन पर पार्टी करके सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। सच में? तो मेरे लिए पार्टी दोगी? टीना शुक्रिया। क्या मतलब है तुम्हारे लिए? आखिरकार मेरे मेकअप आर्टिस्ट को मेरा साइन अप करने के लिए जगह मिल गई। उसका स्केड्यूल बहुत बिजी है। क्या? मैं तो असल में अपने स्पेशल दिन के बारे में बात कर रही थी। क्या आज तुम्हें कुछ सेलिब्रेट करना है? हाँ बिल्कुल दोस्तों, क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट नहीं करना चाहते? हाँ, बधाई हो, तुमने नई ड्रेस खरीदी है ना? हाँ, आज तुम इसे पहन कर भी आई हो और जूते भी शानदार हैं। क्या तुम पागल हो गए हो? तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम लोग मजाक कर रहे हो ना? टीना अभी तुम मजाक कर रही हो और तुम सिर्फ बकवास किए जा रही हो। तुम लोगों को ऐसा लगता है? एलिस ध्यान मत दो, मुझे ये बताओ कल एडम के साथ डेट पर क्या हुआ? हमने तो किस भी किया। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया। हे दोस्तों। हाय। तुम मुझसे कुछ कहना नहीं चाहते क्या? हे टीना, क्या इतना काफी है? मैं कुछ भी नहीं समझी। तुमने इतनी शानदार ड्रेस क्यों पहनी है? वो क्योंकि आज मेरा। हे टीना, मुझे बोल देना। नहीं, तुम मुझे डरा रहे हो, आज मेरा स्पेशल दिन है और किसी ने भी मुझे विश नहीं किया। मैं सुन नहीं पा रहा, क्या बोला तुमने? ये क्या मजाक है? टीना तुम्हें भटका रही हो, परेशान मत करो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कोई मुझे नोटिस क्यों नहीं कर रहा? ओ नहीं, टीना को जान से मारने का इरादा है क्या? मैं कहाँ हूँ? टीना चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो, जानबूझकर नहीं किया। वाह क्या शानदार गिफ्ट दिया है। टीना यहाँ पर रहना सही नहीं है, तुम जाओ ना यहाँ से। Living one moment.
ये सच कैसे हो सकता है? सारे लोग मेरा बर्थडे कैसे भूल गए? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसी को मेरा बर्थडे याद है या फिर सब भूल गए? कमेंट्स में बताओ। तुम्हारा भयानक चेहरा देखकर मेरी भूख मिट गई। तुम कब तक ये दिखावा करोगी कि कुछ नहीं हुआ है? बाहर में जाओ। कोई भी मेरा बर्थडे नहीं मनाएगा। मैं ये काम खुद ही कर लेती हूँ। हैप्पी बर्थडे टीना। वाओ, ये मेरे लिए है? शुक्रिया, शानदार, मुझे फूल मिले हैं। अब ये कौन है? गुड आफ्टरनून, आपका पार्सल आया है। मेरे लिए? लेकिन मैंने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। मुझे नहीं पता। पता तो आपका ही है, टीना नाम लिखा है। मैं ही टीना हूँ। तो पार्सल सही जगह आया है, ये लीजिए। क्या मुझे इसके पैसे देने हैं? नहीं, पैसे चुका दिए गए हैं। गुड बाय। वाओ, इतना शानदार बुके कौन भेज सकता है? ये कितना बड़ा है। एक नोट। इंटरेस्टिंग। प्यारी टीना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हैप्पी बर्थडे। क्या किसी को मेरा बर्थडे याद है? ये स्मेल कैसी है? ये स्मेल मेरे बुके से आ रही होगी। ये क्या बकवास है? ये कितना भयानक है? इसे हटाओ यहाँ से। आपको एलर्जी है? इसे जल्दी से यहाँ से बाहर फेंको। नहीं फेंक सकती, ये आज का मेरा इकलौता गिफ्ट है। ये मुझे दो अभी। आप क्या कर रही हैं? मम्मी, हमें इस तरह का झाड़ अपने घर में नहीं चाहिए, समझ गई तुम? मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किसने भेजा है। तुम पर ये फूल अच्छे भी नहीं लगते, बल्कि ये कैक्टस अच्छा लगता है। कितना भयानक दिन था, सबसे बुरा बर्थडे। मेरे सारे दोस्त मुझे भूल गए। मैं पार्टी के लिए घर सजाना चाहती थी। हाँ, इसी की जरूरत थी। अब रूम बिल्कुल मेरे मूड जैसा है। मेरे बर्थडे के लिए ये मालाएं ठीक रहेंगी। एक मिनट, यहाँ पर चल क्या रहा है ये सब? जैक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पर आया तुम्हें विश करने हैप्पी बर्थडे। जैक, तुम मेरा बर्थडे नहीं भूले? बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ पर आया हूँ एक अलग सिटी से तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने। जैक, वाओ, तुम्हें विश्वास नहीं होगा क्या हो रहा है। बताओ मुझे। सारे लोग मेरा बर्थडे भूल गए, मेरे किसी दोस्त ने बर्थडे विश नहीं किया, मेरी बहन और मम्मी ने भी नहीं। क्या सच में? आखिर हुआ क्या था? मुझे नहीं पता, कितना बुरा सपना है, सबने मुझे बस इग्नोर कर दिया। शायद उन्हें किसी बात पर गुस्सा आ गया होगा। नहीं, कल तक तो सब कुछ ठीक था। ये तो बड़ी अजीब बात है। किसी ने मुझे गिफ्ट तक नहीं दिया, सिर्फ किसी ने एक बुके भेजा था, लेकिन मेरी मम्मी ने उसे बर्बाद कर दिया। क्या तुमने सोचा कि वो फ्लावर्स किसने भेजे होंगे तुम्हें? नहीं, लेकिन वो इंसान सबसे अच्छा है, क्योंकि सबकी तरह वो मेरा बर्थडे नहीं भूला जैसे बाकी भूल गए। चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस किसी ने भी तुम्हें ये फूल भेजे होंगे वो तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान कर रहा होगा। मुझे भरोसा नहीं है। चलो टीना, अंदर आओ। जैक, मुझे अब डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरो, तुम्हें ये पसंद आएगा, मैं वादा करता हूँ। सच में, किस चीज का डर? और क्या बुरा हो सकता है? आओ बैठो। वाओ, ये क्या है? ये तुम्हारे लिए एक सेलिब्रेशन डिनर है। जैक, तुम एक बहुत अच्छे दोस्त हो। फ्रेंड,
हाँ। हाँ, सिर्फ तुम ही हो जो मेरे और मेरे बर्थडे के बारे में नहीं भूले। तो शायद देखो सबने साथ में मजे करते हुए स्टोरी पोस्ट की है और मुझे बुलाया भी नहीं। ऐसा लगता है तुमने उनका बहुत दिल दुखाया है। नेट का क्या? वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? क्या तुम और नेट डेट कर रहे हो? हाँ बिल्कुल, एक महीना हो गया है और वो भी मुझे भूल गया। तुम रो मत। देखो मुझे पता नहीं था कि तुम किसी और को डेट कर रही हो। मैंने तो ये बस तुम्हें कन्फेस करने के लिए किया था। मुझे इन सब से निपटना है। मुझे जानना है कि सब मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकती हो। ये वाला दोस्तों सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। कैसे कहा है, उसे अभी यहाँ होना चाहिए था। यार हम कभी ऐसे इकट्ठे होंगे भी या नहीं? पहले नेट, अब कैसी? मैं काफी बिजी था, ठीक है। हमारा मकसद बहुत जरूरी है, चलो पार्टी के लिए तैयार हो जाए। हाँ क्योंकि ये सबसे अच्छी पार्टी होने वाली है। मुझे चिप्स पसंद है तो हमें ये लेना ही पड़ेगा। ओके यार, क्या हम बस पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं? यहाँ बस हम फालतू में आ गए। हम पिज्जा भी ऑर्डर कर लेंगे, परेशान मत हो। हाँ हम अमीर हैं। वाह, जरा देखो टीना मुझे कॉल कर रही है। उठाओ मत, मत उठाओ। मैं उठाने भी नहीं वाला था, तो करने दो कॉल इसको। वो बहुत पकाऊ है सच में। अरे अब मुझे कॉल कर रही है। एक काम करो, बस उसको ब्लॉक कर दो। मेरी बारी नहीं। क्या ये कभी सुधरेगी या नहीं? तो सब कुछ लगभग हो चुका है, तो हमें बस रूम को ही सजाना बाकी है। हाँ अभी जूस खरीदना भी बाकी है। दोस्तों तुम लोग मुझसे मिलने आए हो? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हम तुमसे मिलने आए? ये सब तुम्हारे पास बैग्स और बलून्स है। और क्या तुम मेरे साथ सेलिब्रेट करोगे? तुम्हारे साथ क्या ही सेलिब्रेट करें हम, भाड़ में जाओ तुम। लेकिन आज तो मेरा, तुम्हें समझ नहीं आता हमें बहुत काम करने हैं। नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम भी इनके साथ मिल गए। मैं ये कहना चाहता था कि मैंने इसके बारे में बहुत सोचा और हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ऐसे कैसे? ये सच है, मुझे नई गर्लफ्रेंड मिल चुकी है तो इसके लिए सॉरी, पर यही मेरा फैसला है। तुम मजाक कर रहे हो, तुम मुझे मेरे स्पेशल दिन पर छोड़ रहे हो। कौन है वो, कौन है तुम्हारी नई गर्लफ्रेंड? मैं, अब मैं हूँ इसकी नई गर्लफ्रेंड। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। अनीता, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और हम अभी भी फ्रेंड्स हैं। शायद तुम सब पागल हो। लगता है वो बहुत दुखी है। शानदार। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? कल तक हम सब फ्रेंड्स थे और आज मेरा बॉयफ्रेंड अनीता को डेट कर रहा है। मेरे दोस्तों ने मुझे धोखा दिया। काश कि कोई ये बुरा सपना हो। शायद ये सपना ही है, शायद मैं सो रही हूँ। नहीं मैं नहीं सो रही। टीना, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। किस लिए? लेकिन क्यों? उठ जाओ टीना। तुमने एक सैड मोमेंट बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था। तुम मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मैं दरअसल तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेट ने मुझे छोड़ दिया। अच्छा ये तो बहुत अच्छी खबर है। क्या? मेरा मतलब है कि ये तो बहुत बहुत ज्यादा बुरा है। सारी बुरी चीजें आज ही हो गई। टीना, मैं कब से तुमसे ये कहना चाहता था। जैक। सुनो जरा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, पेपर चेक कराओ। हाँ बिल्कुल। मिस टीना, ओ तो आज आपका बर्थडे है। हाँ। तो फिर आपको मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको फाइन देना होगा।
आपको रूल्स के हिसाब से पार्क करना था। एक हफ्ते में आपको चुकाना ही होगा। गुड बाय। जैक, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अकेला छोड़ोगे? ओ ठीक है, मुझे कॉल करना अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो। वैसे क्या तुमने पेरिस फैशन वीक में लिक्विड ड्रेस हेड पहने मॉडल को देखा? ओह वाओ, कैसी? मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ओह वाओ, लड़कियों तुम लोग मुझसे क्या छुपा रही हो? तुम कितनी अजीब हो। क्या तुम थोड़ी शांत हो सकती हो? अनीता, तुमने मेरा बॉयफ्रेंड चुरा लिया, तुम्हें शर्म नहीं आई? उसका भी मन था, मुझ पर ब्लेम मत डालो। तुम मेरा स्पेशल दिन भूल गई, ऐसा कैसे हो सकता है? सुनो, हम तुमसे कहना नहीं चाहते थे, लेकिन कहना पड़ेगा। हाँ, अफवाह है कि तुम हमारे पीठ पीछे उल्टा सीधा बोलती हो। और तुमने विश्वास भी कर लिया। हम तुम्हें जानते हैं और अब हम तुम्हारे दोस्त नहीं हैं। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, धोखेबाज। बहुत बढ़िया, ये शानदार था। अब टीना हमसे और भी ज्यादा नाराज है। ये क्या है? ये नहीं, नहीं। नेट, किसी ने हमें देख लिया तो? तुम्हें चिंता किस बात की है? वैसे हम सिर्फ डेट पर होने की एक्टिंग कर रहे हैं, तुम्हें पता है ना? लेकिन शायद तुम मुझे पसंद हो। क्या मैं ऐसी सुंदर लड़की को किस भी नहीं कर सकता? सच कहूँ तो कर सकते हो, फिर किस करो मुझे? आखिर क्यों? मैं अकेली रह गई, अकेली मैं, मेरे बर्थडे पर। जैक ने भी फोन नहीं उठाया। ओ टीना, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों? यही बताना चाहती हो ना कि मैं कितनी शरारती हूँ? नहीं अभी नहीं, पहले ये कचरा पकड़ो। बढ़िया, बोल दो कि ये भी मेरा ही गिफ्ट है। नहीं, इसे बाहर ले जाओ, मैं अभी बाहर नहीं जाना चाहती। ठीक है। उप्स। तुम कितनी लापरवाह लड़की हो, इसे साफ करो अभी के अभी। मम्मी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं सब कुछ देख रही हूँ, तुम बस मुझे परेशान करना चाहती हो। तुम बस इसे साफ करो अभी के अभी। क्या ये कभी खत्म होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं फिर से जैक को कॉल करूंगी, शायद इस बार वो उठा ले। हे टीना, मुझे तुम्हारे बहुत से मिस कॉल्स आए थे। तुम कहाँ थे जैक? हम तो सब साथ में पता करने वाले थे ना। हाँ, आई एम सॉरी, मैं बहुत बिजी था। अब एक काम करो, तुम फोन रखो, मुझे बहुत जल्दी जाना है, सब खुद देख लो। तुमने कमाल कर दिया। मुझे लगता है उसे इस वक्त बहुत बुरा लग रहा होगा। नहीं, मुझे लगता है सब ठीक हो जाएगा। हम बस कैसी का इंतजार कर रहे हैं और फिर हम शुरू कर सकते हैं। चलो कुछ खाते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ, हमेशा की तरह। हैप्पी बर्थडे टीना। ये तो सबसे शानदार पार्टी है। हाँ, और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। हाँ नेट, तुम्हें केक चाहिए? नहीं नहीं चाहिए। ओके। एलिस, तुम्हारे बाल काफी कूल है, इनसे नजर ही नहीं हटती। ये क्या है? ये मेरी फ्रेंड्स है। दिमाग तो ठिकाने पर है। ओह, ये बकवास बंद करो, पूरे दिन बकवास करती रहती हो। हाँ, क्योंकि मुझे कोई नहीं चाहता। मम्मी, यहाँ आना जरा, जरा देखो तो हमारी टीना क्या कर रही है। इसने बलून्स के साथ यहाँ गंदगी फैलाई है। बिल्कुल, मम्मी सारा दिन सफाई करे और टीना गंदगी फैलाए। बलून से गंदगी? मम्मी, ये ज्यादा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। कोई मुझे समझाएगा कि मुझसे सब चिढ़ क्यों रहे हैं? तुमने सबको परेशान किया है। कोई मुझसे बात ही नहीं करना चाहता। तुमने सबको परेशान किया है। सबने मुझे छोड़ दिया। तुमने सबको परेशान किया है। हट जाओ। उम्मीद है हमने जो भी प्लान किया टीना को पसंद आएगा। पर तुम्हें इतनी खुशी क्यों हो रही है? मैं बस टीना को खुश देखना चाहता हूँ। वाह वाह,
मन में लड्डू फूट रहे हैं। तो मैं आ गई, सब हो गया आखिरकार। हम सारा दिन तुम्हारा वेट करते रहे। सॉरी यार, मैं घर से निकल ही नहीं पाई। मैं टीना को और ज्यादा रुलाना चाहती थी। फिर क्या हुआ? टीना बहुत अपसेट है, उसका चेहरा लटका हुआ है। कितनी गलत बात है। मुझे उसे परेशान करके बहुत बुरा लगा, वो बहुत रोई। यही तो हमें चाहिए था, यही तो प्लान था, है ना नेट? मेरी बहन के बॉयफ्रेंड से दूर रहो। लेकिन इसने तो उसे छोड़ दिया है। ये सिर्फ एक मजाक था, मैंने कहा दूर रहो वरना मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी। ठीक है ठीक है। हम खाएंगे कब यार? डॉनी, तुम्हारी बर्थडे गर्ल कब आ रही है? मम्मी बस उसे एक आखिरी डोज दे रही है, उसे गंदा टॉयलेट साफ करवाएंगी। तो हम उसे आखिर यहाँ पर कब बुलाने वाले हैं? हम एक वीडियो रिकॉर्ड करते रहा। हाँ। चलो करते हैं। हाँ। हाँ? नेट, ऐसा कैसे? सबने मुझे छोड़ दिया। जैक ने कहा था कि वो मुझे सपोर्ट करेगा, लेकिन वो भी मुझे छोड़कर चला गया। लगता है मुझे सब छोड़कर चले जाना चाहिए। ये क्या मैसेज है? टीना, हैप्पी बर्थडे। तुम्हें हम सभी की तरफ से इस खूबसूरत दिन की बहुत बधाइयां हो, और हम तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट करते हैं। हेलो टीना। मैं जानता हूँ तुम इस वक्त रो रही हो, टिश्यू पेपर से आंसू पोंछ रही हो, लेकिन हमने तुम्हारे लिए एक पार्टी प्लान करी है और हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। बहन, मैं भी यहीं हूँ, रोना बंद करो, तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। लेकिन अगर तुम नहीं आई तो इसे मैं रख लूंगी। जल्दी आओ, पार्टी करते हैं। क्या? ऐसा कैसे? ये सब साथ में क्यों है? हैप्पी बर्थडे टीना। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हैप्पी बर्थडे। और ये गिफ्ट है मेरी प्यारी बेटी के लिए। तो आप मेरा बर्थडे भूली नहीं थी? बिल्कुल भी नहीं, ये तो हमारा प्लान था। क्या क्या ये गिफ्ट मुझे पागल बनाने के लिए था? खैर, इसने काम किया। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो असली गिफ्ट है। मम्मी, भरोसा नहीं हो रहा। क्या बाकी सब ने भी ये जानबूझकर किया? बिल्कुल, तुम्हारी बहन ने ही उन सबको बोला था। ओह हे भगवान, जल्दी से गिफ्ट खोलो ना बेटा। मम्मी, वाओ वाओ, यही तो वो ड्रेस थी जो मुझे चाहिए थी। मम्मी, लेकिन ये तो बहुत महंगी है। मेरी प्यारी बेटी के लिए कुछ भी महंगा नहीं है। ठीक है मम्मी, मैं उन लोगों के पास जाती हूँ। Happy birthday! भगवान, Happy birthday, girlfriend. We love you. लेकिन तुम लोग तो मुझसे बात नहीं कर रहे थे। वो तो बस एक मजाक था, तुम्हें समझ नहीं आया? मेरी sunshine, happy birthday. टीना, पता है तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हुई, लेकिन हमने कोशिश की। Congratulations! तुम लोगों ने ये सब कुछ कैसे किया, वो भी सब कुछ छुपाते हुए? तुम मुझे थैंक यू बोल सकती हो, ऐसा करने के लिए मैंने ही कहा था। कूल, वो बहुत भयानक था। थैंक्स, हमने पूरी कोशिश की। चलो अब हम सब पार्टी करें, क्या कहते हो? बेशक, चलो पार्टी करते हैं। ओह, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम हमारे दिए गए तोहफों को खोलो। तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट भी लाए हो? बिल्कुल। वाओ, तुम लोग शानदार हो। और अब हमारे यहाँ केक खाते हैं। ओह, मुझे बहुत भूख लगी है। हमें पता है। हनी, क्या तुम्हें गिफ्ट पसंद आए? मुझे हनी मत बुलाओ, समझ गए? क्यों? मैंने तुम्हें अनीता को किस करते देखा। ओह, वो तो बस इसलिए था कि तुम्हें यकीन हो जाए
लेकिन हमारे प्लान में तो ये नहीं था। हाँ, तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैंने बिल्कुल सही समझा है, तुमने बिल्कुल सही किया मुझे वो सरप्राइज देने के लिए, लेकिन मैं वो किस कभी नहीं भूलूंगी। टीना क्या प्रॉब्लम है? मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ नेट, मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रहना चाहती हूँ। तुम मजाक कर रही हो है ना? नहीं, मैं अब किसी और को पसंद करती हूँ। बहन कमाल कर दिया। जैक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, मुझे एहसास हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। क्या? हाँ, क्योंकि जैक बहुत अच्छा और केयरिंग है। थैंक्स टीना। मैं जैक को छठी का दूध याद दिला दूंगा। चला जा बेटा, दफा हो जाओ। टीना मेरी गर्लफ्रेंड है। वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है। दोस्तों, आपको मेरा बर्थडे कैसा लगा? मैं हैरान और खुश हूँ कि ये खत्म हो गया। हमारे चैनल को फॉलो करो, इस वीडियो को लाइक करो और नीचे कमेंट्स भी करो। अरे हम खाने वाले हैं नहीं। आए दोस्तों, हमें क्रेजी घर की टीम। आज हम एक बढ़िया एपिसोड शूट कर रहे हैं। हम टीना का बर्थडे भूल गए हो। आज तो मैं जैक को नहीं छोड़ूंगा, इसको तो मैं देख लूंगा। थैंक यू, हमने पूरी कोशिश की। चलो पार्टी शुरू कर सकते हैं। यस यस। नहीं, किसी ने हमें देख लिया तो? तुम्हें चिंता किस बात की है? हे, ये बहुत धीमी है। She the girl in my vision. Now that